जय जीवदानी। यूट्यूब स्लैश कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आज आपको सिखाने जा रही हूं चीज पालक गार्लिक टोस्ट। बड़ा ही टेस्टी, बड़ा ही अच्छा, होटल से भी ज्यादा अच्छा, और घर में बना हुआ साफ सुथरा। ये देखिए, इसके अंदर खूब सारा स्टफ किया हुआ है, माल मसाला मैंने चीज और पालक को भी, और ये बनने में भी बड़ा आसान है, 10 मिनट में बन जाता है। और आप ये नाश्ता अपने बच्चों को खिला सकते हैं, आप इसको चिप्स के साथ परोस सकते हैं, सॉस के साथ परोस सकते हैं, डिप के साथ परोस सकते हैं, दही का डिप बना के, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले देती हूँ, दही के डिप के साथ परोस सकते हैं। बड़ा ही टेस्टी टेस्टी। और आप सबसे नम्र निवेदन के प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ना मेरा ये चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा। चलिए सीखते हैं चीज गार्लिक पालक टोस्ट। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है चीज पालक सैंडविच। सबसे पहले मैं मिक्सर में आधा चम्मच लहसुन ले लूंगी। अब आप कहेंगे लहसुन ज्यादा? जी नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये कई सारे ब्रेड्स पे लगेगा तो लहसुन इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये समझ लीजिए कि इसको गार्लिक चीज पालक सैंडविच भी बोल सकते हैं। तो ये लहसुन ले लिया मैंने एक छोटा चम्मच पूरा। इसके अंदर मैंने ये हरी मिर्च डाल दी है, और इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा मिंट यानी कि पुदीना डालूंगी। अब ये मिश्रण जो है इसको मैं थोड़ा सा हल्का पानी डाल के ना पीस डालूंगी, ताकि ये जो है स्प्रेड करने लायक हो जाए, मिक्स करते टाइम ये मिक्स हो जाए। तो हल्का पानी डाल दिया है। चलिए इसको मिक्सर में, ये मिक्सर ही है, इसको पीसते हैं। तो देखिए, हमारा गार्लिक यानी कि लहसुन, मिंट यानी कि पुदीना, और साथ में हरी मिर्ची पीस गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम पालक को थोड़ी भाप लगाएं। तो यहाँ पर ये पालक मैंने आधा गट्ठी जो है, क्योंकि घर में दो लोग हैं खाने वाले, तो बारीक बारीक चीर के अब इसको बिना पानी डाले, मतलब ये धुली है अब और इसमें थोड़ी नमी है पानी की, तो इसको मैं भाप लगाती हूँ, सिर्फ भाप। तो ये बर्तन गर्म कर लिया है मैंने, और इसमें ये पालक शिफ्ट कर रही हूँ, और मैं इसमें कोई पानी वानी नहीं डाल रही हूँ। पानी डालूंगी तो सब पचपच हो जाएगा और शक्ल भी खराब लगेगी इसकी। तो चलिए मैं इसको इसी तरह बंद करके इसको भाप लगा दूँ, और एकदम कम सेक किया हुआ है मैंने। तो देखते हैं कि पालक को भाप लग गई है क्या। आप नजदीक लाइए कैमरा, और ये पालक को भाप लग गई। इसके अंदर जो पानी था ना, उसी से भाप लग गई है। चलिए अब मैं बंद कर देती हूँ सेक को। तो ये हमने चीज ग्रेट कर लिया है, आप लिक्विड चीज भी ले सकते हैं। मेरे पास क्यूब था तो मैंने क्यूब को ग्रेट कर लिया है, और एक कटोरी चीज है ये, मेरा ज्यादा नहीं बनने वाला घोल। तो इसमें अब मैं ये पालक शिफ्ट करती हूँ। तो मैंने पालक डाल दी है, और जो मैंने मिश्रण आपके सामने लहसुन और पुदीना और मिर्ची का बनाया था, वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ मैं। और इसमें अब ऐड करूंगी मैं काला नमक, काला नमक जो मैंने इसमें डाल दिया है जरूरत के हिसाब से, और इसमें काली मिर्च डालूंगी मैं। तो मुझे ये आदत है हाथ से डालने की, तो काली मिर्च मैंने शिफ्ट कर दी है। अब इसको मिक्स करूंगी मैं। तो मिक्स कर लिया है हमने चीज, पालक, लहसुन, मिंट, हरी मिर्ची, काला नमक और साथ में काली मिर्ची। अब मैं ब्रेड की ओर जाती हूँ, ब्रेड के टुकड़े करती हूँ, उसमें ये स्टफ करती हूँ। तो चलिए, हमने ब्रेड के पीसेस कुछ इस तरह से काट लिए हैं, और इसमें मैं अब स्टफ कर दूंगी जो हमारा मिश्रण था, चीज पालक मिंट वगैरह सब। इसको इस तरह से थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा स्टफ करूंगी, क्योंकि ये कम स्टफ होगा तो मजा नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से स्टफ कर दूंगी मैं, और इसका मजा ही तब है जब थोड़ा सा ये मुंह में आए, और मुंह में आएगा तो ये ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए, मैंने इसको स्प्रेड कर दिया अच्छे से, और अब इसके ऊपर मैं दूसरी ब्रेड लगा दूंगी। इसी तरह मैं बाकी टोस्ट भी
बना दूंगी। तो ये चली ओवन में ये ब्रेड, और ये ब्रेड बड़ी तरीके से रखनी पड़ती है क्योंकि ये नीचे ना गिरे और इसको सेक भी अच्छे से लग जाए, नीचे फंस फंस जाए तो प्रॉब्लम होगी। तो चलिए 5 से 7 मिनट में ये ब्रेड तैयार हो जाएगी। तो लीजिए पक चुके हैं ओवन में हमारे टोस्ट, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूं। तो लीजिए तैयार है हमारे चीज पालक लहसुन के टोस्ट, बड़े ही टेस्टी, मार्केट से होटल से भी ज्यादा अच्छे। इसके अंदर खूब स्टफ किया है मैंने सब, और जल्दी इसको डाइनिंग टेबल पर ले जाती हूँ। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्लीज 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 कमाना खाना को सब्सक्राइब कीजिए। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। हमने इससे पहले सिखाया है आपको गार्लिक और चीज का टोस्ट भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो भी जरूर देखें। बाय बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।